यूं कहा जाता है कि जब अपने भी काम नहीं आते, जब एक वकील काम आता है। हेलो एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ आदित्य वाइज। आई एम आदित्य यादव एंड वॉचिंग द सोशल इंडियन। और इस वीडियो सीरीज को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि हम यहाँ पर जो हमारी विजडम है, हमारी जो सोच है, उसको आपके सामने रख सकें। और आज इसका जब हम पहला एपिसोड बना रहे हैं, तो हम बना रहे हैं अपने ही प्रोफेशन से रिलेटेड, यानी वॉट इज pros and cons you will face in life being a lawyer, being a advocate, being a judge। क्या LLB करने के बाद, law करने के बाद आपके लिए क्या pros होंगे, क्या cons होंगे। अगर हम देखते हैं कि lawyers की life कैसी होती है, advocate की life कैसी होती है, उससे पहले हम आपसे सिर्फ एक question पूछना चाहेंगे कि आप हमें comment section में ज़रूर बताइए कि lawyer और advocate में क्या difference होता है। अब जब आप law करने जा रहे हैं, तो इतनी सी बात तो हम चाहेंगे कि आपको थोड़ी सी knowledge हो और आप दिमाग चलाएं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर के साथ हम आपको जरूर मिलेंगे। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लॉ करने के बाद आपको क्या प्रोज एंड कॉन्स मिलेंगे। तो सबसे पहले प्रोज पे आते हैं, क्योंकि एज अ लॉ स्टूडेंट जब हम इस फील्ड में आ चुके हैं, तो हमारा काम होता है पहले अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से सामने रखना, फिर काउंटर करना। तो सबसे पहले हम प्रोज पे आएंगे, जो हमें लगता है बेनिफिट है एक लॉ स्टूडेंट के लिए लॉ करने के बाद। तो सबसे पहली बात, जब आप लॉ कर लेंगे, तो उसके बाद या आप एडवोकेट बने, या आप जुडिशियल ऑफिसर बने, या फिर आप कहीं और जॉब करें, एक आप जो होगी, आपकी जो पोजीशन होगी, वो सोसाइटी में रेप्यूटेड होगी। यू विल बी अ रेप्यूटेड पर्सन इन द सोसाइटी एंड पीपल विल लुक टू यू कि हाँ भाई, इनसे हमें काम पड़ सकता है, इनसे आप कांटेक्ट बना के रखो। भुआ फूफा जो आपको फ़ोन नहीं करते हैं, वो भी शायद आपको हफ्ते में दो बार फ़ोन कर लें, क्योंकि शुरुआत ही मैंने उस शब्द से की थी कि वकील बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है, उससे आपको बहुत फ़ायदे हो सकते हैं, लोग कांटेक्ट में रखना चाहते हैं। और आपने भी देखा होगा कि अगर आपके कांटेक्ट में एक या दो वकील होते हैं, तो लोग अपने आप को थोड़ा चौड़ा समझ के रखते हैं, हाँ भाई कि हाँ कौन है तू भाई, मेरे पास तो वकील है। अब जब आप लॉ कर रहे होंगे, तो ऐसे ही आपके पास कॉन्टैक्ट में 50, 100, 150, 200 वकील होंगे, तो आप तो कितना ही चौड़ा होकर घूम सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसे पार्ट टाइम भी परस्यू किया जा सकता है और फुल टाइम भी परस्यू किया जा सकता है। जब हम ये बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि पार्ट टाइम कैसे। अब मान लीजिए आपका इंटरेस्ट किसी और जॉब में है, लेकिन आप लॉ कर रहे हैं, तो ये आपको नॉलेज देगा, आपकी नॉलेज को एनहेंस करेगा, यहाँ तक कि आपको एक अच्छा सिटीज़न बनने के साथ साथ ही आपके राइट्स और लाइबिलिटी दोनों से ही आपको अवेयर कराता है कि आपके क्या अधिकार हो सकते हैं, क्या आपके ऊपर बर्डन आ सकता है, उन चीज़ों को आप ढंग से समझ जाते हैं। तो ये पार्ट टाइम भी हो सकता है और फुल टाइम तो है ही है, प्रोफेशनल कोर्स है। यहाँ पे लोग मेरे से प्लेसमेंट की बात कर रहे थे, तो जब आप एक बार वकील बन जाते हैं, तो आपका और कहीं प्लेसमेंट होना हो, कोर्ट्स में प्लेसमेंट जरूर हो जाता है, आप कभी भी जाकर कहीं भी जाकर पेश हो सकते हैं, वहाँ पे आपका प्लेसमेंट पक्का है। और उम्मीद करूँगा कि आप सभी का प्लेसमेंट अच्छी अच्छी कंपनी में हो, आगे जाकर आप बहुत ज़्यादा रुपये कमाएं, क्योंकि प्लेसमेंट का अल्टीमेट मोटिव वही होता है। अब जब आप ये पार्ट टाइम की तरह कंसीडर करेंगे, तो आप किसी जॉब के साथ साथ भी ये कर लेंगे। आप देखते होंगे कि कई जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, वो यहाँ पर लॉ में एडमिशन लेते हैं सिर्फ और सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए। तो इसे एक पार्ट टाइम के तरीके से भी लिया जा सकता है और फुल टाइम के तरीके से भी लिया जा सकता है। अब अगर आप लॉ के बाद एज एन एडवोकेट परस्यू नहीं करते हो अपने करियर को, फिर भी आपको कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता है, क्योंकि आपको इतनी नॉलेज होगी लॉ की, एटलीस्ट अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं, तब भी आपको लॉ की अच्छी नॉलेज होगी और आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। यहाँ तक कि एक चीज़ जो मैं मानता हूँ आपके अंदर जो प्रो आ जाएगा, वो ये होगा कि आप पुलिस के सामने जो है, आपके टैकल करने का, आपका जो टैकलिंग का एटीट्यूड है, वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा लॉ करने के बाद, क्योंकि आपको उनकी कमियां भी पता होंगी, खामियां भी पता होंगी, और उनको कैसे टैकल करना है वो भी आपने सीआरपीसी में पढ़ा होगा। तो इसके बाद आपको जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है लोगों से बात करने का, लोगों से तहजीब रखने का, तो वो एक सीखने वाली चीज़ है लॉ स्टूडेंट के लिए, और वो प्रोज भी है बीइंग अ लॉ स्टूडेंट। अब जब आखिरी हम बात करते हैं प्रो की, क्या हो सकता है, हमारे क्या प्रोज हो सकते हैं, क्या बेनिफिट हो सकते हैं, तो वो होगा यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर पावरफुल। अब
इनको हम कैसे कहते हैं? कॉन्फिडेंट आप इसलिए होंगे क्योंकि आपके पास नॉलेज होगी। जिसके पास ज्ञान होता है उसके पास ही सब कुछ होता है, इसीलिए आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपको अपने ऊपर भरोसा होगा, आप अपने लिए क्या दूसरों के लिए भी लड़ने को तैयार रहेंगे। उसके बाद आप स्ट्रॉन्गर कैसे होंगे? जब आपने लॉ नहीं की थी तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ों की नॉलेज थी, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फंडामेंटल राइट्स पता थे, लेकिन अब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता हैं, आपको अपने सारे अधिकार पता हो जाएंगे धीरे धीरे आते आते, आपको ये भी पता हो जाएगा कि आप कहाँ पर क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि आप पावरफुल कैसे हो जाएंगे, तो पावरफुल आप ऐसे हो जाएंगे कि जब आपको नॉलेज भी होगी, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी होगा, तो आप लूप होल्स के बारे में भी जानना शुरू कर देंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या लूप होल्स हैं जिनका फ़ायदा उठा सकते हैं, और उनका फ़ायदा उठाकर आप पावरफुल और स्ट्रॉन्गर बन सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, बीइंग अ लॉ एस्पिरेंट, मैं ये कहूँगा कि मुझे इसमें कॉन्स दिखाई देते नहीं हैं, लेकिन स्टिल हर एक चीज़ के प्रोज भी होते हैं कॉन्स भी होते हैं, सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। तो आई डू नॉट हैव एनी कॉन्स अबाउट द डिग्री कि भाई आप डिग्री लेने के बाद क्या नुकसान हो सकता है। इफ़ यू हैव इनफ टाइम यू अप्लाई फॉर लॉ और आप लॉ कीजिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन अब अगर आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में कम है तो आपके लिए कौन ये हो जाएगा कि अगर आपने इसे प्रोफेशनल कोर्स की तरह लिया है और आपके इंटरेस्ट में बिल्कुल कम है तो आप नॉलेज भी कम गेन करेंगे, और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप थोड़े ही टाइम में इस प्रोफेशन से दूर चले जाएंगे। इसके पीछे का कारण ये है कि अगर आप लिटिगेशन में जाते हैं या फिर सीधा जाएंगे, आप जुडिशियल ऑफिसर नहीं बनते हैं भाई, नहीं बन पाते हैं, कोर्ट में खड़ा होना पड़ रहा है, तो 2-3 साल में तो आप जुडिशियल प्रोसीडिंग सीख पाएंगे कि भाई कोर्ट में क्या चल रहा है, कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उस पीरियड में आप मोटिवेशन भी लूज़ कर सकते हैं, हो सकता है आपके पास केसेस आ रहे हो लॉ के बाद, तो उसके बाद भी आप अपना मोटिवेशन जो है वो लूज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि लोग कई बार सिर्फ और सिर्फ इसीलिए परेशान रहते हैं कि भाई उन्होंने लॉ कर ली है लेकिन वो लॉ का पूरी तरह से बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं, तो ये सीधा सीधा आपके ऊपर है कि आप इसको कौन बनाते हैं या इसको भी प्रो ही बनाकर काम कर लेते हैं। बट देर आर नंबर ऑफ पीपल इन नंबर ऑफ फील्ड हु आर टॉकिंग अबाउट दैट दे वॉन्ट टू परस्यू लॉ सो दैट दे हैव अ गुड नॉलेज, गुड ग्रिप ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, गुड ग्रिप ऑन द सोसाइटी। लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैनेज करना पड़ेगा अपने आप को, और आप कोशिश कीजिए कि आप इस डिग्री को अच्छे से करें। कौन से की हम बात करेंगे आगे अलग वीडियो में। ख़त्म करते हैं यहाँ पर इस वीडियो को। भारत माता की जय। जय हिंद।